नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पीएम मोदी की प्रगति वैश्विक नेतृत्व के लिए जरूरी। अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक जिम्मेदारियों को उठाने और भारत एवं अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूती देने के लिए भारत के भीतर मोदी की प्रगति बेहद जरूरी है। पूर्व उप विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने कहा कि सुधारों की दिशा में मौजूद विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मैं उनके दृढ़ संकल्प और आशावाद से हैरान था। बर्न्स ने एक ई बुक में लिखा, पीएम मोदी ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि उनकी निगाहें अपने देश के भविष्य पर मजबूती के साथ टिकी हैं। भारत का वादा पूरा करने का उनका संकल्प और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी के नारे को मूर्त रूप देने का उनका संकल्प एकदम स्पष्ट था। गर्मी की मार से हाल बेहाल, लू ने ली जान। देश के कई हिस्से भीषण लू की चपेट में हैं और इसके कारण मरने वालों की संख्या 1412 के पार पहुंच गई है। अब तक सबसे ज्यादा मौतें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में लू से मरने वालों की संख्या 1020 हो चुकी है, जबकि तेलंगाना में 340 लोग लू की चपेट में आकर मारे जा चुके हैं। दोनों राज्यों को मिलाकर मरने वालों की संख्या 1307 है। दिल्ली के दक्षिण इलाके में लू से 2 लोगों की मौत की खबर है। हैदराबाद में मौसम विभाग के निदेशक वाई के रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में अगले 2 दिन और तटीय आंध्र प्रदेश में 3 दिन तेज गर्म हवाएं चलेंगी। सरकार ने चिकित्सकों को लू से पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय सलाह मुहैया कराने के लिए सजग रहने को कहा है। पतंजलि फूड पार्क में हत्या, बाबा रामदेव का भाई गिरफ्तार। योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि फूड पार्क में बुधवार को सुरक्षा कर्मियों और ट्रक यूनियन वालों के बीच हिंसक संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में पथराव से कई लोग घायल हो गए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग कर दी। इसमें दलजीत सिंह नामक एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें बाबा रामदेव का भाई भी शामिल है। हरिद्वार की एसएसपी स्वीति अग्रवाल ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें बाबा रामदेव के भाई राम भरत भी शामिल है। एसएसपी ने कहा कि घटनास्थल पर गोलियां भी चली है। दलजीत की मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी।